बात है, ये बंदे को साफ सफाई इतनी पसंद है किसे आते क्यों हमें नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया ना बीवियों को समझना चाहती है, आज तक समझ नहीं पाई है। पूरे है वे मर्द, पूरे है वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं। घूमने का फिरने का वो लेवल अगर आपका आ गया दैट इज हैप्पीनेस फॉर मी। बैठ के वो आ जाता है, फिर मैं स्कूल चलेंगे भाग के, उसके बाद फिर रॉकी अंदर घुस गए रूम में कालिन जी के। देखो ये हम इससे करवाते हैं, ये बंदे को साफ सफाई इतनी पसंद है, किसी घर पे करवाना हो तो बुला लो इसे। 20 रुपए कितना चार्जेस अर्जुन, कितना चार्जेस? 20 रुपए पर डे। 20 रुपए पर डे क्लीनिंग बहुत पसंद है तुम्हें? चलो 15 रुपए। चलो ठीक है। तो भाग के में ये लोग शॉक है, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर हम दोनों के बाद थोड़ा देर बाद ये आते हैं पीछे। क्या हाल है पापा? बढ़िया, सारा दिन आप मस्ती करते रहे, हंसाते रहते यार। मतलब शेयर कैसे करना है इसको? थोड़ा रुलाऊं? अच्छी बातें करो ना सर यार, लाइफ की। मतलब लाइफ में सिर्फ अच्छी बातें होती है? हाँ, इतना क्या हंसाना है लोगों को? बुरी बातें नहीं होती। हंसाने के लिए स्टैंड अप कॉमेडियन बहुत सारे हैं, आप क्यों तो मतलब तुमने लाइफ को मेरे से ज्यादा समझ लिया? बाप बेटा 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 दो लोग हैं जिसको हाई बोल रहे हैं। बेटा बेटा जब तक वाइफ नहीं आती ना कोई लाइफ को समझ नहीं पाती, तेरी भी शादी नहीं हुई ठीक है ना? तो लाइफ को हमने समझा है तो वाइफ आने के बाद वैसे भी खुशियां खत्म ही हो जाती है। नहीं नहीं मतलब खुशियां क्यों खत्म नहीं होती, दुख बढ़ भी जाते हैं यार। बीवियों पे इतने सवाल इतने क्यों बनता है पापा? बीवियों पे इतना मतलब लोग क्यों उनके बारे में, क्योंकि डराते क्यों हमें? नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया ना बीवियों को समझना चाहती है, आज तक समझ नहीं पाई है लेकिन सब बोलते कि मैं अपनी बीवी को अच्छे से समझता हूँ, लेकिन समझता कोई नहीं। अरे समझ समझ के समझना ही तो समझ है, जो ना समझे वही ना समझे। A-V-I-N-A-S-H सही कह रहे। मेरा सवाल मेन तो ये था, आपके लिए हैप्पीनेस क्या है, खुशी क्या है, किस चीज में आपको हैप्पीनेस? देखो बेटा करने में पूरे है वे मर्द, पूरे है वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं। मिला अगर माल तो उस माल में खुश हैं, हो गए कंगाल तो फटे हाल में खुश हैं। पूरे है वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं। और पूरा मर्द आज तक एक ही पैदा हुआ, श्री कृष्ण। क्या बात है यार, बहुत अच्छी बात है। मतलब वो कृष्ण का जन्म होता है जेल में, उसके उनके आने के पहले उनके कई भाई बहनों को मार दिया जाता है, फिर भी कृष्ण कभी रोए नहीं, बंसी बजती रही। मैं कट कर रहा हूं। कृष्ण जो है पूरे मर्द है। कृष्ण के लाइफ को देखोगे ना, वो पैदा हुए जेल में, सबसे बड़े पनौती आज के हिसाब से। उनके आने के पहले उनके चलते उनके कई भाई बहनों को मार दिया गया, उनके माँ बाप को जेल में डाल दिया गया। जन्म लेते हैं रात को 12 बजे, रात के 12 बजे ऐसी पनौती की घड़ी कि उनके बाप को जेल में भी चैन नहीं, उनको कंधे पे सर पे बिठा करके बारिश में कहाँ शिफ्ट करना पड़ रहा है, ऐसी शिफ्टिंग किसी की नहीं हुई होगी। उसके बाद भी गोकुल जाने के बाद भी उतना पूतना कौन कौन आकर के उनको मारने की कोशिश कर रही है, कालिया नाग। मतलब बचपन से संघर्ष करते रहे कंस मामा, उसके बाद द्वारिका डूबी, रण छोड़ के भागे, इतनी चीटिंग हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन कृष्ण कभी रोए नहीं। करेक्ट, बंसी बजती रही, चैन की बंसी बजती रही। देखिए यार कृष्ण तो भगवान है ना पापा, हम इंसानों के बेटा भगवान से, भगवान आते ही सिखाने के लिए ना, मनुष्य अवतार तो बस लाइफ की खुशी उसी में है कि हर चीज में खुश होना सीख लो। पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं। एक और सवाल है छोटा सा, मतलब आपने लगभग कितने साल से इंडस्ट्री में? हो गया 20-22 साल। 20-22 साल हो गया। आपने ऑब्वियसली मुंबई में जब आए थे तो इन 2000 में आए होंगे, 2001 के दो में है ना, तो स्ट्रगल देखा होगा, चीज़ें देखी होंगी, बम्बई को बदलते देखा है ना, जब मोबाइल में नहीं बेटा सब नहीं चीज़ें। मैं पूछता हूँ सवाल ये कि इंसान जब परेशान होता है लाइफ में, क्योंकि हर बंदा जब कोई भी आप हो मैं हूँ कोई बंदा जो 21-22 साल का अभी डिग्री करके आया या कुछ परस्यू करने आ रहा लाइफ में, कुछ ना कुछ परेशानी होती है, उस दौर को कैसे हैंडल करना? बेटा इस पर मैंने 4 लाइनें लिखी हैं। उस वक्त जब बुरा वक्त बीत रहा था मैं उससे भी कुछ सीख रहा था। उस वक्त जब बुरा वक्त बीत रहा था मैं उससे भी कुछ सीख रहा था और खुद अपनी तकदीर लिख रहा था। क्या बात है, ये आपका लिखा हुआ है? सुपा गाइस, प्रेम जी को आप फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, इनका जो इंस्टा क्या है वो आपको यही ज्ञान वाली बातें मिलेंगे। पता नहीं ज्ञान है कि अज्ञान है, मैं नाम प्रेमचंद है, थोड़ी सी खुजली लिखने की लेकिन सही कहा आपने, कितने परेशान हो तो ये वाला आपने सही लिखा है कि मैंने गलतियां क्या की हैं वो मैं चूज कर रहा था, उस पर फ्लैशबैक में जा रहा था और वो गलतियां दोबारा नहीं करनी है ताकि मैं अपनी तकदीर को बेटर कर सकूं, वो कोशिश कर रहा था। और समय अच्छा आता है, वो तो आएगा ही ना, आता है।
और तब आपको रियलाइज होता है कि यार वो समय में एंजॉय कर लेता टाइम। अच्छे से मसाज करोगे तो अच्छा कुछ मिलेगा क्या? ये इधर मेरा एंटीना है। अब पूछो कालेंद्र सवाल पूछो कालेंद्र। हाँ मतलब दिव्यांगन, तेरे लिए खुशियाँ क्या है? मेरे लिए जब लाइफ में आप अपने मन से हर चीज कर पाओ, वो लेवल आपने अचीव कर लिया हो, जहाँ पर जिस स्टेज पर जो आपका मन कर रहा है, जो आपका मन कर रहा है पहनने का, खाने का, घूमने का, फिरने का, वो लेवल अगर आपका आ गया है, दैट इज हैप्पीनेस फॉर मी। अच्छा, उससे खुशियाँ मिलती है? खुशियाँ मिलती नहीं है, ये हैप्पीनेस आपके लिए। इफ़ यू, जहाँ पर आपका ये है कि अगर आज मेरे को छुट्टी चाहिए, मैं इनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, तो मेरे पास इतनी लिबर्टी है कि मैं अपने मन से जो करना चाहती हूँ करना। अच्छा, अरे बेटा मेरा तेरे से एक सवाल है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि आपको खुशियाँ किस किन किन चीज़ों से मिलती है? मैं अपने लोगों के साथ रहने से, काम से। पहले मेरे को एक बात बता, खुशी मिलती किसे? जैसे आपने कहा ना कि अगर आप joy, what is joy? नहीं बेटा joy, मैं कुछ बहुत बड़ा सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ। खुशी मिलती किसे है? खुशी मिलती है मन को। हाँ। लगता है कि मैं खुश हो गया, मैं कभी खुश होता ही नहीं। हाँ, वो आपकी डिजायर में, जब आपकी डिजायर पे आप कंट्रोल कर लेंगे कि आप तो इसका कहना सही है ना, तेरे मन का बात बोलते ना, आपने आपकी इच्छाओं को कंट्रोल में कर लिया कि मुझे इतना ही चाहिए। नहीं, इसने वही तो कहा, तेरे मन का हुआ तो तू खुश होता है, मन का नहीं होता है तो दुखी होता है। हाँ। तो खुशी कभी हमें नहीं मिलती, हमारे मन को मिलती है। हमें अच्छा। लगता है हम खुश हो गए। अच्छा। हाँ, अब भूख हमें नहीं लगती, भूख हमारे प्राणों को लगती है, लगता है मैं भूखा हूँ। फेमस ये शरीर होता है, लगता है मैं फेमस हो गया। तो बहुत सारा स्ट्रगल होता है, प्रॉब्लम्स आते हैं लाइफ में, जो पर्सनल इश्यूज चल रहे होते हैं, किसी के लव के चल रहे थे, किसी के करियर के, तो क्या करना चाहिए जब प्रॉब्लम? लाइफ में मेडिटेशन को इंक्लूड करो, ठीक हो जाएगा। और कुछ? आपका माइंड पे कंट्रोल सीख जाते हो आप थ्रू मेडिटेशन, एंड स्ट्रेस लेवल अपने आप कम हो जाता है, और टाइम निकाल के रखो। बेटा एक लाइन ना लाइफ में याद रख, एक लाइन मैं तुम्हारे ऑडियंस को बता रहा हूँ, ध्यान की सबसे बड़ी लाइन है, एक लाइन, ये पल भी बीत जाएगा। पांच शब्द होंगे, ये पल भी बीत जाएगा, पांच या छह शब्द जो भी होंगे। तो इससे क्या होगा, जब तेरे को बहुत बड़ा अचीवमेंट मिलेगा, खुशी होगा, तो ईगो नहीं आएगा, बेटा ये पल भी बीत जाएगा। जब दुख आएगा ना, तो दुख नहीं होगा, बेटा ये पल भी बीत जाएगा। लेकिन आपके लिए मतलब हैप्पीनेस क्या, खुशी क्या है? किस चीज से खुशी हो? तुम खुशी ना, खुशी ढूंढने जाओगे तो कहीं नहीं मिलेगी। खुशी तुम्हारे आसपास ही होती है, इनफैक्ट खुशी तुम्हारे अंदर ही होती है, और तुम उसे बाहर तलाश करते हो। अच्छा। दूसरों की खुशी में तुम अपनी खुशी ढूंढोगे ना, तो इससे बढ़िया कोई खुशी नहीं हो सकती तुम्हारी जिंदगी में। हाँ, ये बात भी सही। नहीं, हमारे जो व्यूवर्स बहुत सारे जो यंग लड़के हैं, 22 साल के, कहीं ना जीवन में परेशानी होती है। देखो भैया, क्या खुशी का कोई ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि दो दुनी चार होता है। करेक्ट। सामने वाला खुश है, अगर आप किसी सामने वाले को खुश कर सकते हो, किसी को सुख दे सकते हो, किसी को हंसा सकते हो, किसी का भला कर सकते हो, उससे बढ़िया खुशी जीवन में तुम्हें कहीं नहीं मिल सकती। क्या हुआ? खुशियाँ का मैं आजकल बहुत चीज़ों पे भी डिपेंड करती है, एक मटेरियलिस्टिक खुशियाँ भी होती है। इंसान कहते हैं मेरा पैसा आ जाएगा तो मैं खुश हो जाऊँगा, लेकिन मैंने अपनी आंखों के सामने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं कि इनके इतना पैसा होने के बावजूद भी उनके पास इतनी परेशानी है, परेशानी आ गई, उनको पता ही नहीं है कि पैसा कैसे संभालना है। तो ऐसे पैसे का मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई मतलब नहीं होता कि जब वो तुम जब तो उसकी भी टेंशन है कि कैसे संभालना, तो यार कि लाइफ में पैसा उतना ही कमाओ जितना तुम संभाल सको, और उस पैसों को अच्छे से यूटिलाइज कर सको, खुशियाँ पा सको। सवाल ये था कि जब इंसान लाइफ में प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है, टफ टाइम को कैसे फेस करता है? यार ये तो ज़िंदगी की रीत है, इंसान को जीवन भर संघर्ष करना ही करना है, और वही जीवन है। तुम सोचोगे कि यार मेरे साथ क्यों हो रहा है, लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, तो लाइफ कभी किसी ने बोला ही नहीं था आसान होगी, कभी किसी ने बोला था क्या? हाँ। तो तुम्हें लगता है कि यार मेरा लाइफ हमेशा से ऐसी ही रहेगी, डिफ़िकल्ट रहेगी, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन जब तक लाइफ में थोड़ी डिफ़िकल्टी या परेशानी ना आए तो ज़िंदगी जीने का कोई फ़ायदा नहीं होता ना, सब कुछ इजी हो जाता है, सब कुछ आसानी से मिल जाएगा, तो एक संघर्ष करने का इंसान को मकसद नहीं मिल पाएगा।